मेडी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की जबरदस्त गुंडई नजर आ रही है। बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की जमकर पिटाई की गई। ये वीडियो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर गौरीगंज कोतवाली परिसर के अंदर का बताया जा रहा है। तो विधायक जी का रॉबिनहुड अवतार नजर आ रहा है। अमेठी से गुंडई का वीडियो सामने आया है जहां पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की जबरदस्त गुंडई नजर आई है। बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की जमकर पिटाई की गई। ये वीडियो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी का है और इसके साथ ही गौरीगंज कोतवाली परिसर के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से माननीय विधायक जी दबंगई गुंडई करते हुए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। नगरपालिका प्रत्याशी के पति की पिटाई की गई। जा रहे थे तो थाने परिसर के अंदर उनको थाने परिसर के बाहर उनको रोकाया गया। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर थके तो लोग विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं वो उनके और दोस्त उनके और साथियों ने डीके श्रीवास्तव रणवीर सिंह ने सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी दीदी स्मृति रानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं। इनके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमा किया जाए। मैं अपील करती हूँ पूरी जनता से कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अपराधियों द्वारा जन सामान्य को पीटा जा रहा है और थाने में FIR नहीं लिखी जा रही है। अपराधियों द्वारा जन सामान्य की गाड़ियों का शीशा तोड़ा जा रहा है। FIR नहीं लिखी जा रही है। बड़े अपराधी कई जनपद कई नगर पालिका चुनाव में कल 5 बजे के बाद कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रह सकता है, लेकिन बड़े अपराधी इस जनपद में नगर पालिका परिक्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस उनको रोकने में विफल है, इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, लोगों द्वारा किए गए कृत्यों के खिलाफ FIR और अपने और अपने समर्थकों की जान माल की सुरक्षा और अपराधियों को इस नगर पालिका में आने। अरविंद, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अमेठी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, दरअसल पूरा मामला था क्या है? आखिर इतना नाराज क्यों हो गए विधायक जी कि बीजेपी प्रत्याशी के पति पर ही हमला कर दिया? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बीजेपी प्रत्याशी के पति के ऊपर सपा विधायक ने हमला बोला, कहीं ना कहीं 2-3 दिन से उनके अंदर उठा पटक चल रही है कि सपा की सीट निकल रही है और इन सब चीजों को देखते हुए वो हमेशा हर जगह भाजपा प्रत्याशी को घेरने की कोशिश किया। भाजपा प्रत्याशी के पति के ऊपर ईंटों से पथराव कराया और इसकी शिकायत लेकर कि वो धरने पे बैठ गए कि मेरे खिलाफ FIR मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है कहीं। अरविंद, ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि दोनों नेता थाने में थे, थाने में आते हैं और अचानक आव देखा ना ताव देखा और तेश में टूट पड़े विधायक जी? जी, जब इसके दीपक के ऊपर पथराव किया जाता है तो वो अपनी गाड़ी लेकर के भाग के थाने के अंदर बचने के लिए आता है और जब थाने में पहुंचता है तो पथराव विधायक जी के ऊपर किया गया था। पथराव दीपक सिंह के ऊपर किया गया था जी, भाजपा प्रत्याशी के पति के ऊपर जी। उसके बाद वो भाग के आता है कोतवाली में बचने के लिए, अपना वहां बताने के लिए कोतवाली में, तो विधायक जी ऑलरेडी वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं कल से। विधायक जी आओ न देखते हैं ताओ नहीं देखते, उसके बाद तुरंत उठ के अपने समर्थकों के साथ उसकी जम करके पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद जब पुलिस वाले इधर से थोड़ा सा दोनों तरफ से छुड़ाने उड़ाने का काम करते हैं तब जाके स्थितियां थोड़ी नॉर्मल होती हैं। फिलहाल क्या अपडेट है, मुकदमा दर्ज किया गया है क्या इस मारपीट को लेकर? निश्चित, अभी कप्तान साहब ने बोला है कि जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित की जाएगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। निश्चित ही जो इस तरीके की का कृत्य है ये निंदनीय है। और जो बीजेपी प्रत्याशी के पति पर जो हमला किया गया दीपक पर, आप बता रहे हैं ये हमला किसने करवाया था? पत्थरबाजी कराने वाले लोग कौन थे? उनको चिन्हित किया गया है क्या? अब ये तो दीपक के हिसाब से बताया जा रहा है कि सपा के ही लोग हैं, सब विधायक के गुर्गे हैं। वही चीज उनकी पत्नी भी बता रही जो सपा प्रत्याशी है
कि सब विधायक के गुर्गे हैं और विधायक जी इस मामले में संलिप्त हैं, और विधायक जी ही अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो कल से धरने पे बैठे हैं। जी ठीक है, आएंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है ट्विटर पर। क्या कुछ ट्वीट किया है संजय सिंह ने आपके राज्यसभा सांसद ने, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। पहले भाजपाइयों ने सपा विधायक के मामा के लड़के राहुल और कई लोगों को मारा, उन पर एफआईआर के लिए विधायक थाने में बैठे थे। बीजेपी नेता की हिम्मत देखिए, थाने में आकर विधायक को गाली दी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या थाने में एक विधायक को माँ बहन की गाली देना ठीक है? क्या किसी बीजेपी एमएलए को की कोई माँ को गाली देता है तो वो चुप रहेगा? ये ट्वीट किया है संजय सिंह ने, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आपके दिग्गज नेता संजय सिंह का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, और जो मारपीट का जो वीडियो है उसको ट्वीट में ऐड करते हुए, वीडियो पोस्ट करते हुए ये ट्वीट लिखा गया है। अरविंद, आप इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुके हो, संजय सिंह ने सीधा बीजेपी पर आरोप लगा डाला है, क्या बीजेपी एमएलए को कोई माँ की गाली देगा तो वो चुप रहेगा? बिल्कुल, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, निश्चित सियासत कर रही है और सियासत करने में पीछे नहीं रहती आम आदमी पार्टी। दिल्ली का रोल मॉडल यहां भी चला रही है। इस समय अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए, जैसा कि पुलिस बता रही है कि जिस तरीके से यह अभद्रता की गई है, निश्चित ही जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।